झारखंड में ओबीसी के लिए 27% आरक्षण की मांग ने जोर पकड़ लिया है। कांग्रेस के साथ ही आजसू ने भी ओबीसी को 27% आरक्षण देने की मांग की है। आजसू के वर्करों ने पूरे प्रदेश में न्याय मार्च निकालकर हेमंत सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश की है। आजसू के वर्करों ने रांची, खूंटी, लोहरदगा, गुमला, सिमडेगा, पूर्वी सिंहभूमि और सरायकेला खरसावा ने न्याय मार्च निकाला। आजसू के अध्यक्ष सुदेश महतो के नेतृत्व में कार्यकर्ताओं ने रांची में सचिवालय तक न्याय मार्च निकाला। वहीं रांची के मुरादाबादी से निकाले गए इस मार्च को रोकने के लिए पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाई थी, लेकिन जोश से भरे हुए आजसू वर्करों ने बैरिकेडिंग को तोड़ दिया। बैरिकेडिंग तोड़ने के बाद प्रदर्शनकारी मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे। इस दौरान आजसू वर्करों और पुलिस के बीच जमकर धक्का मुक्की भी हुई। किसी तरह आजसू का ये मार्च डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के पास मौजूद फुटबॉल मैदान के पास पहुंच गया, लेकिन इसके बाद पुलिस एक्शन में आ गई। मुख्यमंत्री आवास की ओर बढ़ रहे आजसू के वर्करों और पुलिस के बीच सीधी टक्कर देखने को मिली। वहीं मुख्यमंत्री आवास की तरफ बढ़ रहे आजसू वर्करों पर पुलिस ने जमकर लाठी बांधी। पुलिस की लाठी चार्ज करने के बाद प्रदर्शनकारियों की भीड़ तितर बितर हो गई। इस दौरान कुछ कार्यकर्ताओं को हल्की चोटें भी आई हैं। वहीं आजसू सुप्रीमो सुदेश महतो ने पुलिस के लाठी चार्ज को बर्बरतापूर्ण कार्रवाई बताया है। महतो ने कहा कि लाठी और ताकत के जोर पर सरकार विरोध की आवाज को दबा नहीं सकती है। लोग इस तरह से गलत उकसाने का काम करते हैं, उन्हें संयम से काम लेना चाहिए। इस तरह लाठी चार्ज करना बड़ा निंदनीय है। बीजेपी के भी आज भी आंदोलन पे लाठी चार्ज की गई है। ये निंदनीय कार्रवाई है। लाठी से किसी लड़ाई को रोका नहीं जा सकता है। लाठी चढ़ाई के कभी शासन के विरोध की आवाज को दबाया नहीं जा सकता। विधानसभा के मानसून सेशन की वजह से रांची का पारा चढ़ा हुआ है। बीजेपी और आजसू के नेताओं ने हेमंत सरकार के खिलाफ सड़क से लेकर संसद तक विरोध का बिगुल बजा दिया है। ऐसे में मानसून सेशन के खत्म होने के बाद ही रांची पुलिस चैन की सांस ले पाएगी। पंजाब केसरी टीवी के लिए रांची से आशुतोष सिन्हा की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।